जो बच्चे अभी सीख रहे हैं ये उनके लिए है। उन्हें ए लिखना है तो एक ऐसे डंडा खींचे बच्चे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये ए हो गया। हमें बी बनाना है तो हम यूँ खींचेंगे एक डंडा, फिर आधा गोला यूँ करेंगे, फिर आधा गोला यूँ करेंगे, बी हो गया। सी आधा गोला बनाकर यूँ कर देना है सी। डी एक डंडा खींचेंगे फिर आधा गोला बना देंगे यूँ करके डी। ई ऐसे एक डंडा खींचेंगे फिर एक डंडा यूँ, एक डंडा यूँ खींचेंगे, एक डंडा यूँ खींचेंगे। ई एफ एक बड़ा डंडा खींचेंगे फिर एक यूँ खींचेंगे एक डंडा, फिर एक डंडा यूँ खींचेंगे। एफ जी पहले हमें गोला बनाना है, गोले को यहाँ से घुमा देना है, फिर लंबी लाइन खींचना है, फिर यूँ कर देना है। जी एच एच के लिए हमें एक डंडा और खींचना है, एक और बीच में एक छोटा डंडा। एच आई एक लंबा डंडा, एक छोटी सी बिंदी। आई जे एक डंडा खींच कर हमें यहाँ से गोला बना देना है और यहाँ से एक डंडा और खींच देना है। जे के हमें एक डंडा खींचना है, फिर एक तिरछा डंडा खींचना है और फिर एक तिरछा और खींचना है। के एल पहले एक बड़ा डंडा फिर एक छोटा डंडा। एल एम एक डंडा और खींचना है, एक डंडा आप यहाँ से खींच लीजिए और फिर एक तिरछा डंडा यूँ, एक तिरछा डंडा यूँ। एम एन एक डंडा यूँ खींचना है आपको, एक तिरछा खींचना है और एक उसके ऊपर खींचना है। एन ओ गोला अंडा बना देना है ऐसे करके, ये ओ हो गया। पी एक बड़ा डंडा खींचना है, एक गोला बना देना है। पी क्यू क्यू के लिए एक बड़ा गोला बनाना है, यहाँ से घुमा देना है क्यू। आर आर के लिए डंडा खींचना है फिर एक गोला बनाना है, यहीं से तिरछा डंडा यूँ खींच देना है। आर एस एस के लिए पहले गोला बनाना है, यहीं से गोले को घुमा देना है। एस टी टी के लिए लंबा पहले सीधा डंडा खींचना है फिर लंबा डंडा खींचना है। टी यू जैसे हम गोला बनाते हैं उस गोले को आधा बनाना है हमें, ये हमारा यू हो गया। वी वी को हम यू करेंगे, इसी के पर एक ऊपर से ले जाएंगे वी। डब्लू एम का उल्टा डब्लू होता है, पहले आप यूँ खींचेंगे फिर आप यूँ खींच लेंगे फिर आप यूँ कर लेंगे, यूँ कर लेंगे। डब्लू एक्स एक तिरछा डंडा ऊपर से, एक और डंडा। वाई जेड जेड पहले यूँ खींचेंगे ऊपर फिर एक एकदम नीचे, फिर आप इसको यूँ करके मिला दीजिएगा जेड। हमारा अल्फ़ाबेट तैयार है। छोटे बच्चों के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा ABCD पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।